भारत और श्रीलंका के बीच आज से शुरू हुए डे नाइट टेस्ट मैच कप्तान रोहित शर्मा के लिए खास बन गया है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने एक खास अंतर्राष्ट्रीय करियर में उपलब्धि हासिल करके विराट, धोनी और सचिन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। क्या है पूरी खबर, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 12 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए खास पल बना है। दूधिया रोशनी में पिंक बॉल से खेले जाने वाला ये टेस्ट मैच रोहित के करियर का 400वां इंटरनेशनल मैच बन गया है। आपको बता दें, हिटमैन इसी के साथ सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपना 400वां मैच पूरा कर लिया है और वो ऐसा करने वाले 9वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इस सूची में सचिन तेंदुलकर 664 मैचों के साथ टॉप पर हैं। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है जिन्होंने 538 मैचेस खेले हैं। वहीं मौजूदा भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ 509 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली 457 के साथ चौथे, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 433 मैच के साथ छठे, मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने 424 तो वहीं पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले 403 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शिरकत किए हैं। वहीं सिक्सर किंग युवराज सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यूवी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 402 मैच खेले हैं। अब अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के करियर की बात करें तो उन्होंने अभी तक 44 टेस्ट, 230 वनडे और 125 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 3076, 9283 और 3313 रन बनाए हैं और बेंगलुरु में अपना 45वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ चल रहे मौजूदा सीरीज में बतौर कप्तान भी रोहित ने मोहाली टेस्ट मैच अपने नाम किया है और अब अपने 400वें मुकाबले में भी हिटमैन की नजर अब बेंगलुरु टेस्ट मैच में श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने पर होगी। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब रहता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भी अपनी स्थिति सुधार सकता है। फिलहाल भारत 5वें स्थान पर है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से श्रृंखला अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया पर। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।